भारत विकास परिषद के जिला इकाई द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में परिषद के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हुए और उपस्थित लोगों ने भविष्य में होने वाले समाज उपयोगी कार्यों पर चर्चा करी। भारत विकास परिषद की वार्षिक बैठक में प्रमुख रूप से केपीएस के डायरेक्टर एमएम त्रिपाठी, अनिल कुमार डागा, राधेकृष्ण शारदा, डॉक्टर सुनीता शिवचरण गोयल सहित अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परिषद द्वारा अब तक जिस तरह से सामाजिक विकास के लिए कार्य किया जाता रहा है, उसे और सुदृढ़ बनाने हेतु निर्णय लिया गया। समाज में समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना एवं उनके हित में कार्य किए जाने पर बल दिया गया, जिससे सबके अंदर राष्ट्र हित की भावना जागृत हो और अब प्रेम उत्साहपूर्वक एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक सुंदर स्वच्छ भारत देश का निर्माण करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाए। बैठक की जानकारी भारत विकास परिषद के जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला ने न्यूज टीम को दी। भारत विकास परिषद के भिलाई इकाई द्वारा एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य यही था, संस्था द्वारा जो जनहितार्थ कार्य किया जाता है, जो जन कल्याणकारी कार्य किया जाता है, उस पर विचार किया जाए और विचार करके कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, किसे ऐसे कैसे इसे और जन उपयोगी बनाया जाए। तो संस्था ने निर्णय लिया कि इस बार जो है सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाए और उन गरीब तबके के लोगों को जो किसी गरीबी के कारण या किसी और कारण से शादी नहीं कर पाते हैं, उन बेटियों का हाथ पीले किया जाए। तो संस्था ने इस उद्देश्य से किया। और दूसरा, जो हम लोग वृक्षारोपण किए थे अभी बारिश के समय में, अब बारिश धीरे धीरे खत्म हो रही है, गर्मी आ रहा है, तो कैसे उन वृक्षों को पानी दिया जाए और कैसे उन्हें जीवित रखा जाए, इन सब बातों को लेकर के सम्मेलन में बात हुई। और भी जो संस्था के वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए और उद्देश्य यही है कि समाज में हर व्यक्ति को उत्थान किया जाए, कैसे हम अब जो प्रेम और भाईचारा को बनाया जाए, कोई छोटा ना हो कोई बड़ा ना हो, सबको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के भिलाई इकाई द्वारा सम्मेलन किया गया। उद्देश्य यही है, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सदा प्रसन्न रहे और हमेशा राष्ट्रहित की भावना जागृत करते रहे। भारत विकास परिषद द्वारा लगातार लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने हेतु कई सामाजिक उत्थान से भरे कार्य किए जाते रहे हैं एवं परिषद ने इस बैठक में इन्हीं कार्यों को और ठोस रूप देने के लिए कार्य योजना बनाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।